सर अभी नए आए हैं, जिनका ज्यादा टाइम ना हो रहा है ग्राम में, लेकिन हमें विश्वास है कि भाई बात आगे तक ग्राउंड पे पूरे दिन के हाथ में प्रशासन के नगर पालिका ग्राउंड की बोल रही है, ठीक है। भारत माता की जय। ग्राउंड मांग रहे हैं, कहू तो भीगना मांग रहे, वो ग्राउंड मिला हुआ ठीक है, मैं समझ आई कि वो ग्राउंड दे दो तुमने। एक साल से वह ग्राउंड के लिए ना तो समतल भयो, ना कछु भयो, ना वहाँ पे एक रन अपने अकेले लड़ रहे हैं, अपने अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ भारत रत्न हमारी बिन को सम्मान है, बिन को दुख हमें हुए, पर बिन से ज्यादा दुख जिनको है जी भारत को भविष्य है जी बने एक मित्र को जी भविष्य है जी, अगर जिनके संग दुर्घटना है गई तो हम अपने आप में माफ नहीं कर पाएंगे। किसान के कहा जी फौज की नौकरी में एक्सीडेंट है तो बिन के प्रथम तो हमारे यहाँ
भारत कोकिला स्मृति रानी हमारी लता मंगेशकर आ गई। लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है कल, हमारे यहाँ राष्ट्रीय शोक 2 दिन का चल रहा है राजस्थान में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 1 मिनट तक सब वहाँ बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े हो, तब मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए हमारे लोकेंद्र जी हमारे सबसे बिना अनुशासन में कहना चाहिए आप सब स्टूडेंट हो और बढ़िया जिनाइन मांगे आपकी और हम आपकी भावनाओं के साथ है। देखो आप लोकेंद्र जी हमारे ऊर्जावान पार्षद हैं, आप उनके नेतृत्व में यहाँ पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो पुरानी मांग है उसको हमने रिमाइंड आपने करा। जैसे लोकेंद्र जी ने पिछली बार भी ये मांग उठाई थी और हम भी इसमें सकारात्मक हैं, लेकिन सरकारी काम है, इसमें समय लगता है। आज हमारे बजट की मीटिंग है, मैंने ईओ से कह के बजट में खेल मैदान का प्रोविजन रखवाया है, कितने का रखवाया है वो बजट में पता लगेगा। तो हम ऐसी बात नहीं, हम सकारात्मक है। थोड़ा हमें विलम्ब हुआ है, हमने मीटिंग भी कोरोना के चक्कर में नहीं बुलाई, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरा, हमने प्रोविजन बजट में किया है, वो अभी बजट जब सामने आएगा तब पता लग जाएगा कि कितने पैसे का हमने प्रोविजन किया है। हम पूरे मन से इस खेल मैदान को बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो है कॉलेज के पास डोंगरपुर रोड पे। राजा खेड़ा में नगर पालिका की कोई जमीन नहीं है, राजा खेड़ा में जितनी भी जमीन है वो गैरमुमकिन पोखर है, उनमें हम खेल मैदान बना नहीं सकते। अगर कोई भामाशाह मिल जाता है तो अपन राजा खेड़ा में भी बना सकते हैं। वैसे मैंने राजा खेड़ा में भी हमारे यहाँ जो भूमि रूपांतरण की जगह होती है उनमें जगह फैसल्टी की जगह छोड़ी जाती है, तो हो सकता है अपन ये तलाश कर रहे हैं कि कोई इंडोर स्टेडियम टाइप तो हम राजा खेड़ा में बना सकते हैं। 100x100 का इस तरह की जमीन तो हो सकती है, लेकिन क्रिकेट में का मैदान या फुटबॉल या वॉलीबॉल का मैदान, ये बड़ा मैदान है, वो लगभग 4.5 बीघा जमीन नगर पालिका ने आवंटित कर दी है और वो खेल मैदान के नाम से आरक्षित है। उसमें हमें 20 लाख रुपया उसकी बाउंड्री वाल के लिए एमएलए साहब ने अपनी विधायक निधि में से, मैं बता रहा हूँ, 20 लाख रुपया विधायक जी ने हमको दे दिया है, बाकी 20 लाख रुपया खेल विभाग से जल्दी स्वीकृत होने वाला है, क्योंकि मैं अभी जयपुर गया था, मैं खुद मिला था खेल मंत्री जी से, ज्यादा मांग करी थी 50 लाख रुपए, लेकिन उन 20 लाख की यश करी है, वो 20 लाख रुपया हमें कम से कम 1 महीने में मिल जाएगा। और मैं आपको अवगत करा दूं कि हम 3 महीने के अंदर, 3 महीना नोट कर लियो, 3 महीने के अंदर, 3 महीने पहले भी 3 महीने का ही मिला था, 6 महीने पहले हमने बोला था 3 महीने। पहले सुनो, मैं बहुत जल्दी ही खेल मैदान का टेंडर लगा रहा हूँ, उस टेंडर में लगने में 1 महीना लगेगा, मेरे हिसाब से टेंडर का टाइम 2-3 महीने का होता है, अधिकतम 6 महीने हो सकते हैं, 6 महीने में कम से कम एक महीने के अंदर उसका टेंडर लग जाएगा, पर ठेकेदार की मर्जी है वो 1 महीने में करे,
वो तीन की बजाय छह महीने भी लगा सकता है। वो आप सब विनोद लोकेंद्र जी है, ये प्रेसिडेंट रहा है अच्छा, आप सब कोशिश करना है कि वो बढ़िया काम करे और जल्दी काम करे। मैं तो एक महीने के अंदर खेल मैदान की लेवलिंग का टेंडर देखो, मैंने बाउंड्री वाल का टेंडर इसलिए नहीं लगाया है कि आप उस जमीन को अगर देखेंगे तो कहीं तो 10 फुट नीचे कहीं ऊंची है। रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं वहीं तक दे दिया, सबने दे दिया, वो जगह लेवलिंग होगी। चेयरमैन साहब एक डेट चाहिए, महीना बताया दो जितने टको मैं तो एक महीने में उसकी लेवलिंग का सुनाओ। एक महीना नहीं, दो महीना लो, तीन महीना लो, चार महीना, चार महीना, एक महीना कर दो, उतना टाइम तक डेट हो जाएगा, बन जाएगा। वाली बाउंड्री और लेवल नहीं, केवल लेवल की है, बाउंड्री के लिए पैसे का अभाव है, कुछ बाउंड्री हो जाएगी। 30 लाख रुपए एक चीज बताऊ, रुको अस्सी कुछ नो राय गढ़ाई पूरे युवा जहाँ है वो बचे की में वो 12 लगाओ क्या देना चला हुआ है को दर्द ज्यादा जरूरी है, मुझे होता है टाइम दो, 4 महीना 5 महीना लेवल चाहिए ग्राउंड, 5 महीना बाद मैं हड़ताल कर रहा हूँ, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े चाहे कछु करनी पड़े, 5 महीना बाद मैं कर रहा हूँ, तुम आओ। चलो 4 महीने कह रहा हूँ, 4 महीने महीना में लेवल 1000 को बाउंड्री उतरेगी, कोई दिक्कत ठीक है। 5 महीना बाद हम सिर्फ दौड़े में जाएंगे इकट्ठे में, 7 तारीख को सिर्फ दौड़े में जाएंगे, चेन्नई टाउन में लगा नगर पालिका में गड्ढू खुद देगा।